चलते हैं, वजीर खजाना इसहाक डार इस वक्त खिताब कर रहे हैं। तो इसके जो तफसील आई है कि 1939 के बाद ये वर्स्ट जलजला था जो तुर्की की तारीख में आया, और उससे तकरीबन 6000 लोग जो है हमारे तुर्की में बहन भाई और जो शाम में को 2500 लोग जामे शहादत नोश कर चुके हैं और बेपना जख्मी वहां नंबर है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है वो भी बहुत ही ज्यादा उसके एस्टीमेट्स आ रहे हैं। बदकिस्मती से आपको याद होगा कि पिछले साल जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए तो वो भी एक पाकिस्तान की तारीख के वर्स्ट फ्लड्स थे, और पाकिस्तान दुनिया में 8वां जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वल्नरेबल मुल्क गिना जाता है वो दुनिया में 8वां है उसका नंबर, और वो जो फ्लड्स थे वो कैटास्ट्रोफी जो थी उसके नतीजे में आपको याद होगा कि 30 अरब डॉलर के पाकिस्तान के नुकसानात हुए, और वो जो नुकसानात हैं उसमें करीबन 16 अरब डॉलर के आपके जो है वो फिजिकल लॉसेज हैं और करीबन 15 अरब डॉलर के आपके जो है वो इकोनॉमिक लॉसेज हैं। उसको रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन के लिए जो ग्लोबल अथॉरिटीज ने, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन का जो अदारा है, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसमें वर्ल्ड बैंक है, और पाकिस्तान की प्लानिंग डिवीजन ने उस उनके साथ मिलके जो एस्टीमेट्स किए, तो जो रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन है वो करीबन उसका अंदाजा 16 अरब डॉलर है। उस हवाले से एक रिसेंटली आपको याद होगा वजीर आजम साहब ने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की इन्विटेशन पे एक कॉन्फ्रेंस की थी जिनेवा में यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग में, और उसमें जो कमिटमेंट्स मिली थी हमने कहा कि आधा हम ये 3 से 4 साल में जो सारा हमने रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन का काम करना है पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से आधा बोझ उठाएगा, और आधे की करीबन कमिटमेंट्स हमें दुनिया के मुख्तलिफ अदारों ने दी उस वक्त जब ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो मैं समझता हूं कि आज वो टर्की के लिए के एक क्लैमिटी कुदरती आफत कह ले उनके ऊपर आ गिरी है। वो वैसे उनका बहुत ज्यादा जलजलों की बदकिस्मत हिस्ट्री है, और तुर्की हमेशा बड़े बिल्कुल भाइयों की तरह आपके शाना बशाना हमेशा खड़े हुए हैं, और जब भी कभी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल आई तो उन्होंने दिल खोल कर पाकिस्तान की मदद की। और आपको याद होगा कि जब पिछले साल भी जब फ्लड्स आए तो तुर्की के सदर जनाब तैयब अर्दोगान और उनकी अहलिया वो पाकिस्तान में तशरीफ लाई, उससे पहले भी जो ऐसे वाकयात हुए तो हमेशा तुर्की ने बहुत दिल खोल कर पाकिस्तान की मदद की। मैं समझता हूं कि ये अब एक मौका है कि हम सबको दिल खोल कर अपने जो तुर्की बहन भाई हैं और जो जलजला से जो मुतासर हुए हैं उनके लिए हम भरपूर अपनी मदद करें। हुकूमत ने फौरी तौर के ऊपर कुछ रिलीफ सामान जो था वो C-130 की कुछ शॉर्टेज हो चुकी हैं, सामान कुछ जा रहा है जाता रहेगा, लेकिन अगर आप को मैं ये अर्ज करूं कि हम जितना भी इस वक्त उनकी मदद कर सकते हैं वो कम होगी। कल कबीना की मीटिंग में जो एक सबसे पहले जो दुआ की गई, आज हम भी इस मीटिंग के आखिर में दुआ करेंगे सब उनके जो जो शहीद हो गए और जो जख्मी हैं उनकी यानी बेहतरी के लिए, उनकी रिकवरी के लिए। लेकिन कल काबीना में ये वजीर आजम शहबाज शरीफ के अपना उनके ऑफर पे, उनके कहने पे, उनके प्रपोजल पे काबीना ने कहा कि सब एक महीना पूरी काबीना अपनी सैलरी जो है वो इस फ्लड रिलीफ में तुर्की के बहन भाइयों के लिए अतिया करे, और उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये काम दिया गया कि फौरी तौर के ऊपर एक चंदे का के लिए डोनेशंस के लिए अकाउंट खोल दिया जाए। वो अकाउंट कल ही खोल दिया गया, उसका जो मुख्तलिफ बैंक्स हैं उनको सर्कुलर जो था स्टेट बैंक ने ऑफिशियल उनको सबको इंटीमेट आज कर दिया, और नेशनल बैंक से वो IBN जो है IBN के जो नंबर है जिसमें आप अपनी रिलीफ दे सकते हैं, दो तरीके हैं, या आप डायरेक्टली वहां जमा करवाएं या ऑनलाइन ट्रांसफर करें, या आप अपना चेक या बैंक ड्राफ्ट
जो ट्रेडिशनल है कि आपके जो चेंबर्स हैं, जो अदारे हैं, जो एसोसिएशन हैं, वो इकट्ठा करके एक ही चेक की शक्ल में आप जमा करवाएं। अगर आप पसंद करेंगे तो हम उसके लिए वजीर आजम का कोई अरेंज भी कर सकते हैं कि आप खुद आके वो यानी उस टर्की की रिलीफ के लिए जो है वो अपना अतिया दे। उसका जो टाइटल है अकाउंट का वो अखबारों में भी आ चुका है और उसका जो तफसील है वो आपको हम भिजवा भी देते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने अपने चेंबर्स में मोबिलाइज करें और ये एक वक्त है कि हम अपने तुर्की बहन भाइयों के लिए जो कुछ भी इमदाद कर सकते हैं करें। और हमारे अपना जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं वो गो के इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन उसकी बात हम चंद दिनों में आपके साथ एक तफसीली मीटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि फिजिकल मीटिंग करें और वो जो मीटिंग हो वो हम अपना इस्लामाबाद में रखें। और आप सब जो बिजनेस लीडर्स हैं, मुख्तलिफ चेंबर्स के सरबराहान हैं, दूसरे लोग हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो फिजिकली तशरीफ लाएं और हम इंशाअल्लाह आपको जैसे मालूम है कि IMF के साथ हमारे डायलॉग जारी हैं और उस वजह से ये जो आजकल जो मसरूफियत है वो काफी ज्यादा है। ये अकाउंट टाइटल आपके सामने आ गया है, ये प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, ये भाई इसको करें प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर टर्की अर्थक्वेक विक्टम, तुर्किया कहते हैं, तुर्किया अर्थक्वेक विक्टम्स, ये उस फंड का नाम है। इस अकाउंट टाइटल है, इसके नाम पे आप अपना चेक क्रॉस चेक अकाउंट पे ही या बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर व्हाटएवर जो है, लेकिन नीचे IBN का जो नंबर है नेशनल बैंक का वो दे दिया गया है। आई एम श्योर के दूसरे बैंक्स भी अपना नंबर जो है वो इसको अनाउंस करेंगे। मुझे तवक्को है कि आज जो ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का हो रहा है, नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान का, मुझे पता चला है कि पार्लियामेंट ही कंसिडर कर रहे हैं कि वो भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इस फंड में डालें। तो मैं आपसे अपील करूंगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, अपनी जात की तरफ से, कि आप इस नोबल और ये जो एक अल्लाह की खुशनूदी के लिए इस काम में बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। तो आज का एजेंडा यही है। ये मैं अर्ज कर दूं कि चूंकि आप डोनेशंस दे रहे हैं तो ये मेरी टैक्स अथॉरिटीज जो पाकिस्तान की हैं, जो कि इसमें जिसमें तारक पाशा साहब हैं, SAPM2 ऑन रेवेन्यू और चेयरमैन FBR से मेरी बात हो चुकी है इस सिलसिले में, तो जो भी डोनेशन होगी उसके ऊपर जो टैक्स रिलीफ मिलती है वो टैक्स रिलीफ दी जाएगी। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपका बहुत मशकूर हूं। अगर कोई साथी ब्रीफ बात करना चाहे, लेकिन आज मेरी गुजारिश होगी कि तुर्की के हवाले से हम बात करें और इसी टॉपिक पे रहें इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है कि आपके मसाइल भी हैं और गवर्नमेंट उससे यानी गाफिल नहीं है, लेकिन ये जो हाल है जो हम तफसील से बात करेंगे, ये कोई एक दिन का या एक महीने का या 8 महीनों का या 10 महीनों का किया धारा नहीं है। ये मुल्क था जो 24वीं दुनिया की मईशत 2016-17 में बन चुका था और 20-13 में ये मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था और इसका साथ मुल्क 3 साल के कलील अरसे में उस जगह पे पहुंच गया जहां ये 24th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया। और इसको ये प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने ये प्रोजेक्शन दी कि ये मुल्क जो है वो बड़ी जल्दी चंद सालों में G20 प्रीमियर क्लब जो है उसका मेंबर होगा। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि 5 साल के क्लील अरसा में ये मुल्क 2022 में 2022 में दुनिया की 47वीं मईशत क्यों बना। इस पर बात करेंगे, आपसे डिस्कस हर चीज होगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और हम ये इकट्ठ करेंगे इस्लामाबाद में और आप सबको मधु करेंगे। मेरी गुजारिश है कि अगर आपने कोई इस जज्ला के हवाले से कोई चीज पूछनी है, कोई सवाल, तो उसके लिए मैं और मेरे साथी साहब हाजिर हैं। आप अपना हाथ खड़ा करें एंड यू कैन प्लीज टेक द फ्लोर। जी 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 प्लीज चेयरमैन शुगर PSMA जी जी प्लीज सर मेरी गुजारिश होगी, हम शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से हमारे पास प्रपोजल है
वो प्रपोजल ये है कि सर आपने 2.5 लाख टन की हमें इजाजत दी है, हम समझते हैं अगर हमें तुर्की को किसी तरीके से सपोर्ट करना है तो हम उस पर थोड़ा कंसेशनल रेट पे चीनी ऑफर कर सकते हैं, अगर ओवर एंड अबव हमारे पूरे 50,000 टन के ऊपर अगर आप। चेयरमैन साहब, वजीर खजाना इसहाक डार बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू करे पर उनकी जानिब से कहा गया कि वजीर आजम रिलीफ फंड बराए जलजला मुतासरीन के लिए अपनी इमदाद दें।